करेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसमें हम देखेंगे प्री वॉक की प्रोसेस। 10 नंबर की फ्रेम पर मैंने सारे के सारे एक साथ पूरे कैरेक्टर को आगे बढ़ा दिया और चूँकि वॉक प्रोसेस में हम लोग देखते हैं इसको 20 में सेट करेंगे और सेंटर की जो पोज होगी, जो ये जो दो दो पोजेज जो मेरे हमारे मैंने जो साइड साइड में बनाई है ना, इनको हम कांटेक्ट पोजेज बोलते हैं। जो एनिमेशन में जो मेन पोजेज होती है जिसको हम की फ्रेम भी बोलते हैं। अब इसकी बीच की जो पोज में सेट कर रहा हूँ इसको हम लोग पासिंग पोज या स्ट्रेच पोज भी कहते हैं। तो ये दो पोजेज जो दिख रही है ना, इसी इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी होगी और लेग बिल्कुल स्ट्रेट होगा और दूसरा लेग इसको क्रॉस करेगा, तो इसको हम स्ट्रेच पोज या पासिंग पोज भी बोलते हैं। तो इसको हम सेट करेंगे बीच में। पिवट पॉइंट के थ्रू ही सेट करेंगे। अब इस लेग को मैं आगे करूँगा। हैंड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे दोनों भी, पीछे वाला भी और आगे वाला भी। हम रेफरेंस के लिए हम लोग वो अब इंटरनेट से इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए। इस तरह से इसकी सेंटर वाली पोज करके फिर इसको टोर्सो को मैं ऑन कर दूंगा। थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। अब एक और 6 या 7 नंबर की जो फ्रेम है इसके बीच में हम लोग और एक इंसर्ट की फ्रेम करेंगे सारी की फ्रेम, और इन दोनों के बीच में जैसे अनियन स्किन ऑन करने के बाद आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में, अब जैसे ये इसका जो हेड होगा ये थोड़ा सा नीचे होगा जिसको हम लोग स्क्वैश पोज भी बोलते हैं। इसका हेड नीचे रहेगा, सारी बॉडी ही थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तो इसमें इसको हम लोग ऐसे ही सेट करेंगे। सेटिंग का ये प्योर पॉइंट का ये बेनिफिट ये है कि ये सारे के जो मेन मेन पोजेस हमने बनाने के बाद जब इसको हम लोग एनिमेशन स्मूथली देखेंगे, जब इसमें क्लासिक ट्रिम डालेंगे तो बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि इसकी जो इन बिटवीन ड्राइंग होती है बीच वाली, ये सारी के सारी अपने आप ले ले लेता है। पहले एनिमेशन और आप लोगों को शायद पता हो कि पहले सारा एनिमेशन पेपर एनिमेशन होता था, तो पेपर पर ही सारी की सारी फ्रेम ड्रॉ करनी होती थी, जो अभी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमारा बहुत सारा काम आसान हो गया है। हाथ को भी कर लेंगे थोड़ा सा, पीछे वाले हाथ को भी। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे, फिर टोर्सो को ऑन करके ये हो गया हमारे बीच वाली पोज।
और ये इसकी ये इन बिटवीन पोज करेंगे तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रेच पोज है मेरे बीच वाली ना, उससे इसका हेड थोड़ा सा ऊपर, जब ऑनियन स्किन ऑन करके देखेंगे हम लोग तो इसका हेड थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और उसको हम लोग आर्क में ही लेंगे। एनिमेशन प्रिंसिपल है हमारा आर्क, तो उसी हिसाब से उसको हम लोग सेट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, जैसे लास्ट वाले पोज में यहाँ से ये पैर उठाएगा और फिर ये आगे वाला पैर रखेगा, तो उसकी रखने की पोजीशन इन दोनों के बीच की होगी। ऑनियन स्किन हमें बहुत हेल्प करती है। पहले पेपर एनिमेशन में यही काम हम लाइट बॉक्स पर करते थे, तो लाइट बॉक्स के थ्रू पेपर के ऊपर पेपर रखते थे, नीचे अंदर से लाइट जलती थी तो सारे पेपर हमें दिखते थे, सेम ऐसे ही ऑनियन स्किन की तरह। ध्यान रहे सिलेक्ट करते समय हम लोग सारी की फ्रेम को प्रॉपर सिलेक्ट कर ले, नहीं तो फिर बाद में इस तरह की, देखो ये यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो गई है मेरी, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम फिर बाद में आ जाती है। तो कोई नहीं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सिलेक्ट करते समय सारी की फ्रेम को एक साथ सिलेक्ट करना, ये मेरी कुछ ये रह गई थी, तो उसको करते हैं सॉर्ट आउट। थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा तुरंत। अब ठीक है, इसको मैंने क्लासिक डाल के देखा था, देखो ये कुछ इस तरह से। इस लेग को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि वो लास्ट पोज के पहले की पोज है वो सेट हो जाए आराम से। ये बाहर की तरफ आ जाएगी इस साइड में, और इस फुट को हम लोग नीचे करेंगे थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लेंगे हेड को भी। अब इसको देखेंगे फाइनली, ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, इसको भी थोड़ा सा सेट करते हैं इस लेग को।
जो फर्स्ट एंड लास्ट पोज ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है, लास्ट पोज सेम फर्स्ट की तरह हो गई थी, तो अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये हम लोग जब सेट करते हैं पोजिंग उस समय भी कर दे तो अच्छा है, अभी भी कोई बात नहीं, अभी भी कर सकते हैं। अब ये ठीक हो गया। अब ये ठीक लग रहा है, अब इसकी देखेंगे हम लोग। देखो ये तो स्मूथली चल ही रहा है। अब इसमें चूंकि क्लासिक ट्यून नहीं डला है तो ये थोड़ा सा आपको जर्की लग सकता है, लेकिन पीछे वाला हैंड भी कर लेंगे आगे की तरफ। अब इस टोर्सो को हम लोग ऑन कर देंगे। इस तरह से इसको हम क्लासिक ट्यून करके, अब इसको आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा से स्मूथ से लग रहा है। सारे इन बिटवीन ड्राइंग ये अपने आप ले लेता है, बीच की ड्राइंग मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट वाले जो पोज है यही पोज मेरी लास्ट में आएगी, तो 30 के आसपास मैं इसको ले लूँगा। चूँकि अभी जो जो हमने जो वॉक बनाई है 13 फ्रेम तक की, ये हमारे हाफ ही हुआ, जब तक कि तीसरी मतलब जो फर्स्ट एंड थर्ड पोज मेरी एग्जैक्ट सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेज नहीं होंगे। अब इसके बीच में जैसे अभी जो स्ट्रेच पोज है, ये स्ट्रेच पोज मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद इसका सारी पोज ये रिवर्स हो जाएगी एक तरह से। जैसे रेड वाला जो लेग है ये बेंट है तो इसको हम स्ट्रेट कर देंगे, और जो थोड़ा सा ब्राउनिश लग रहा है उसको हम बेंड कर देंगे। तो जितने भी तीन पोजेस हैं हमारे पीछे वाली, इन तीनों पोजेस को बिल्कुल रिवर्स में हम यूज़ करेंगे। तो हमें बस फर्स्ट पोजेस पर ही मेहनत करनी, बाकी पोजेस को हम रिवर्स कर देंगे। इसको कर देंगे बेंड। हाथ तो वैसे ही रहेंगे, हाथों में कोई चेंजेस नहीं। और ये बीच की पोज है, इसके बाद में जो हमने सेकंड नंबर की जो पोज की थी, स्क्वैश पोज जिसे हम बोलते हैं, एनिमेशन प्रिंसिपल होता है हमारा स्क्वैश, तो ये स्क्वैश पोज है ये वाली, तो इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ स्ट्रेच और कॉन्टेक्ट जो पोज होगी उसके बीच में हम रखेंगे, और इसको भी हम रिवर्स कर देंगे, इसके हैंड और लेग दोनों भी। जैसे रेड हैंड आगे हैं तो इसको पीछे करेंगे, और ये वाला लेग पीछे है तो इसको आगे कर देंगे सेम पोजिशन पर एग्जैक्ट। तो ये मेरी हो गई स्क्वैश पोज।
वैसे हैंड को करेंगे हम लोग। तो इसको टोर्सो ऑन कर देंगे। तो ये हो गई मेरी सेकंड नंबर की स्क्वैश पोज। अब मेरे पास केवल एक पोज बची है जो स्ट्रेच और लास्ट की कांटेक्ट पोज की बीच की पोज होगी, जिसमें हेड हमने ऊपर बनाया था थोड़ा सा आर्क में। तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे और इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। ये हो गई हमारे कंप्लीट कंप्लीट वॉक जिसे बोलते हैं। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इस पोज को और ना ये वाला रिमूव कर देते हैं। अब इसके बीच में हम लोग करेंगे यहाँ पर, इसमें डाल दें हम लोग क्लासिक पिन। तो ये विदाउट क्लासिक ट्विन के भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्लासिक ट्विन डालने से बेनिफिट ये होगा कि इसके जो बीच बीच की जो फ्रेम जो ब्लैंक दिख रही है ना, ये उस वहाँ सभी जगह ड्राइंग आ जाएंगे सारे के सारे। इस तरह से वो ज़रूरी है। तो इसको आप देखोगे, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं और इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे बस। तो ये कुछ इस तरह से स्पीडी वॉक हो जाएगी। थैंक यू।